ओम सई राम। आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज में स्वागत है और हम आपको सही से चित्र का 33वां अध्याय बताएंगे या सुनाएंगे। हेमाड पंत जी ने लिखा है, साई बाबा ने खुद लिखवाया है। जो कोई भी 51 के 51 अध्याय सुन लेता है साई बाबा का सही से चित्र, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। 33वें अध्याय में हम उनके उदी की जो महिमा है, हम उनके उदी की महिमा के बारे में बताएंगे। फिर इसमें बिच्छू के डंक, प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार, नारायण राव, बाला बुबा सुतार, अप्पा साहेब कुलकर्णी और हरि भाव कर्णिक के बारे में बताएंगे। इससे पहले के अध्याय में हमने गुरु की महानता का दिग्दर्शन करवाया था, अब इस अध्याय में उदी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। उदी जो बाबा सबको देते थे ना, उसको उदी कहते हैं। जो उनका जलता रहता था, धुनी जो जलता रहता था, तो जो राख निकलती थी उसे ही उदी कहते हैं। पहले हम संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक है। वे अपने मन में यह मेरा और वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। उनका ऋण इस जन्म में तो क्या, अनेक जन्मों में भी नहीं चुकाया जा सकेगा। अब हम उदी के बारे में बात करेंगे, मतलब जो विभूति है, विभूति भी कहते हैं। यह सर्वविदित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धन राशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ शेष बचता उसमें से इनर मोल लेकर सदैव धुनी को प्रज्वलित रखते थे। इसी ध्वनि की भस्म उदी कहलाती है। भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन सदृश ही है, अर्थात पंच भूत आदियों से निर्मित है, जो सांसारिक भोगादि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणित हो जाएगा। भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने के हेतु ही अंत में यह देह भस्म सदृश होने वाली है बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते कि संसार में ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता, पुत्र अथवा स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। पूर्व में यह देखने में भी आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य प्रदान किया है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक और असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस मायारूपी भवसागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्नचित होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है। भजन के बोल हैं, रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ जी। बाबा यह शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी है, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए हैं। इससे उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। और उदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं कि उदी से कैसे कैसे लोगों को फायदा हुआ। एक बार बिच्छू के डंक के बारे में आपको बताते हैं। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी आए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उसकी मां से कहा कि अब तुम्हारा पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण जाने नौकरी छोड़कर
एक उपहार गृह आनंदाश्रम चलाना आरंभ कर दिया जो अच्छी तरह से चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदित और रामवान प्रसिद्ध है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है। नारायण ने उदित खोजी परंतु नहीं मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया। वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। हम आपको एक प्लेग की गांठ की घटना सुनाते हैं। एक समय एक भक्त बांद्रा में रहता था। उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग ग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उनके पास उस समय उदी नहीं थी इसलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे। जब उनके पास ये सूचना पहुंची वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उसमें उदी नहीं थी इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वो भक्त खड़े खड़े ये सब नाटक देख रहा था। जब वो घर लौटा तो उसे जान करते हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहब ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की मांग की तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था जो गत 3 दिनों में पीड़ित थी। फिर आपको जामनेर का विलक्षण चमत्कार बताते हैं। बात है सन 1904-5 की। नाना साहेब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामला दर्ज है। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप था। उसकी स्थिति अधिक गंभीर थी। 2-3 दिन से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहब ने सभी संभव प्रयत्न किए परंतु ये सब व्यर्थ सिद्ध हो रहे थे। तब उन्हें बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ जिन्हें बाबा बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उदी और आरती श्री नाना साहब को दे देना। रामगीर ने बोला कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को ही प्राप्त है। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 30 मील और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया चिंता की कोई बात नहीं है तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी तुम जाओ। तब बाबा ने श्यामा से माधव अड़कर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 3:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। उस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे जिसको बड़ी दुविधा में थे। इतने में एक आवाज उनके कानों में पड़ी। शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर बताया कि मैं शिरडी से आ रहा हूं और मेरा नाम ही बापूगीर बुआ है। उस चपरासी ने जो कि अपने आप को नाना साहब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था उन्हें बाहर लाकर तांगे में बिठाया जिसमें 2 सुंदर घोड़ी जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछें तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्हें जलपान करना स्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूं। यह सब नाश्ता नाना साहब ने आपके लिए भेजा है तथा इसमें कोई आपको आपत्ति और संदेह नहीं करनी चाहिए। तब ये दोनों जलपान कर पुनः रवाना हो गए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंचे। रामगीर बुआ लघु शंका को गए और थोड़ी देर में जब लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि ना तो वहां कोई तांगा है ना तांगे वाला और ना ही तांगे के घोड़े। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वे समीप की कचहरी में पूछताछ करने गए और वहां उन्हें पता चला कि उस समय मामलादार घर पर ही है। वे नाना साहब के घर गए और उन्हें बताया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आया हूं। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिलाने के लिए कहा और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामीक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई। जब रामगीर बुआ ने नाना साहब को चपरासी तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहब के सुनकर महान आश्चर्य हुआ
और कहने लगे कि मैंने न तो कोई तांगा भेजा न चपरासी भेजी और ना ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की पूर्व सूचना थी। थाने के सेवानिवृत्त बीवी देव ने नाना साहब चांदोरकर के पुत्र बापू साहेब चांदोरकर और शिरडी के रामगिर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर सिसाई लीला पत्रिका में पूरा वर्णन किया है कि मैनाताई के बारे में लिखा, बापू साहब चंदोलकर के बारे में लिखा। एक दिन बाबा निम्नलिखित प्रसंग रामगिर बुआ के कथनानुसार कहा गया है कि एक दिन बाबा मुझे अपने समीप बुलाकर एक उदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामगिर जाओ यह आरती और उदी साहब नाना साहब को देना। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 रुपए हैं जो कि कुपर गांव से जलगांव जाने और फिर बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त है। बाबा ने कहा कि अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था, मैं सिकरी रवाना हो गया। मैं मनमाड़ से 6:30 बजे सायकाल और जलगांव रात्रि को 2:45 पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे जामनेर पहुंचू। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया जो पैर में बूट पहने हुए था, सिर पर पगड़ी बांधे हुए था और अन्य पोशाक पहनी हुई थी। उसने मुझे तांगे में बिठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में भंगूर के समीप मैंने जलपान किया। जब प्रातःकाल जामनेर पहुंचा तो उसी समय मुझे लघु शंका करने की इच्छा हुई। जब मैं लौट कर आया तो देखा कि वहां कुछ भी नहीं, तांगा और तांगा वाला दृश्य। ये बाबू गिर बुआ ने कहा था। अभी मैं आपको भक्त नारायण राव के बारे में बताता हूँ। भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शनों के 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुए। सन 1918 में बाबा की महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे परंतु किसी कारणवश उनका जाना ना हो सका। बाबा के समाधिस्थ होने के 1 वर्ष के भीतर वे रुग्ण हो गए। किसी भी उपचार से उन्हें लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने 8 प्रहर बाबा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ, बाबा एक गुफा में से आते हुए दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे, घबराओ नहीं, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और 1 सप्ताह में चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्होंने देह त्याग दी इसलिए मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर है क्योंकि जीवन और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है वो कहीं भी हो उसे सहायता पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे साथ हैं। चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। हम आपको अप्पा साहेब कुलकर्णी की बात बताते हैं। सन 1917 में अप्पा साहेब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता था कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है। हम आपको बाला बुबा सुतार के बारे में बताते हैं। बंबई में एक बाला बुबा नाम के संत थे जो कि अपनी भक्ति भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। सन 1917 में शिरडी आए। जब उन्हें बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तुझे 4 वर्षों से जानता हूं। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूं, फिर ये कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हुआ और मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई। इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया कि उनके चित्र को देखना है उनके दर्शन करने के सदृश है। अब हम अप्पा साहेब की कथा पर आते हैं। जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा जहां उन्हें 1 सप्ताह में लौटना संभव नहीं था। उनकी अनुपस्थिति में 3रे दिन उनके घर में एक विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय अप्पा साहब के घर पर एक फकीर आया जिसकी आकृति बाबा के चित्र से मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों से उनसे पूछा कि आप शिरडी के साई बाबा तो नहीं है? इस पर उत्तर मिला कि वे तो साई बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं, उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने यहां पर आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तो
फकीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा, इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो। इतना कहकर वहां से चले गए। तो अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए। भिवंडी में अप्पा साहेब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे दौरे पर आगे नहीं जा सके। तब उसी शाम को घर पर लौट आए। घर आने पर पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी शांति हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया। तब पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा। वे कहने लगी कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपये से कम कभी न देता। तब वो भूखे फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद और अन्य कई स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ सिद्ध हुई। अभी अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण कीजिए कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहब को शिक्षा मिल गई। भोजन के उपरांत वे अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने को निकले। तब थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर द्रुत गति से आता हुआ दिखलाई पड़ा। अप्पा साहब ने सोचा कि तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया था, तथा उसकी छवि बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया और वो और मांगने लगा। अप्पा साहब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया तो और मांगने लगा। अब अप्पा साहब ने 2 रुपये दिए तब भी उसे संतोष नहीं हुआ। उन्हें अपने मित्र से 3 रुपये उधार लेकर दिए, फिर वो मांगता ही रहा। तब अप्पा साहब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग घर आए और अप्पा साहब ने उन्हें 3 रुपये और दिया था, कुल 9 रुपये। फिर वो असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपये का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपये लौटाकर चला गया। अप्पा साहब ने 10 रुपये देने को कहा था, इसलिए उनसे 10 रुपये ले लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपया उन्हें वापस मिल गया। अंक 9 रुपये अर्थपूर्ण है और नव विद्या भक्ति की ओर इंगित करते हैं। यह ध्यान दें कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत समय में 9 रुपये ही दिए थे। उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं। जब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया। उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे सदैव हाथ पर बांधते थे। अब अप्पा साहब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशारक बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपये मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनके वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला। इन अस्थाई आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी सिद्धता से होने लगी। इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। फिर हम आपको हरिभाऊ कर्णिक के बारे में बताते हैं। सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन डहानू मतलब थाने जिला के हरिभाऊ कर्णिक शिरडी आए और ने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्हें वस्तु और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वे मस्जिद की सीढ़ियां उतरे ही थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को 1 रुपये और अर्पण करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त नहीं हो चुकी है, इसलिए वापस लौटना नहीं चाहता। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसलिए घर की ओर चल पड़े। मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर में दर्शन को गए। संत नरसिंह महाराज, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार पर भीतर बैठा करते थे, भक्तों को वहीं छोड़कर हरिभाऊ के पास आए और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि भाई आप 1 रुपया हमें दे दीजिए। वो जो 1 रुपया उनके दिमाग में था वो बाबा ने उनसे वसूल कर लिया जो उनके दिमाग में आया। तो यहाँ पे हमारा 33वां अध्याय समाप्त होता है और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।